हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सच्चाई और ममता, पराभूत सुरेखाताई घर से बाहर। रविवार को और एक झटका लगा जब पब्लिक ने सुरेखाताई को सबसे कम वोट देकर घर से बाहर किया। जनता को इस शो में लगता है कि सिर्फ मसालेदार बात चाहिए और अच्छे गुणों की परख नहीं है। सुरेखाताई ने कितनी इंसानियत और सच्चाई दिखाई जो शायद मिसाल है। पीठ के पीछे उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की। वो सामने से लड़ने में भरोसा करती थी। सुरेखाताई ने कहा कि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उसके जैसा बिहेवियर पढ़े लिखे प्रतिभागी भी नहीं करते हैं। बिग बॉस हाउस में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। अपनी ज़्यादा उम्र का उन्होंने कभी इशू नहीं होने दिया। वह किसी भी ग्रुप में नहीं थी और हर दम अच्छी बातों को समर्थन करती थी और बुरी चीज़ों का विरोध करती थी। जब आपातकाल टास्क में उनकी उम्र को लेकर बहुत सारी प्रतिभागियों ने उछाला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, इस उम्र में भी वह बाकी उम्मीदवारों से कहीं ज़्यादा मजबूत है और पूरा साल अपने कार्यक्रम के लिए प्रवास करती रहती है। यह भी देखा गया कि उनको घर वाले थोड़ा निग्लेक्ट करते थे। गेस्ट के टास्क में किशोरी ने उन्हें कहा था कि एंटरटेनमेंट का जो टास्क गेस्ट ने दिया था, सुरेखाताई कुछ न करे और उनको फॉलो करे, जबकि वह अच्छी कलाकार है। सुरेखाताई ने इस टास्क में किचन में बहुत सारी चीज़ें खाने की बनाई थी जो गेस्ट को भी पसंद आई थी, परंतु उसकी टीम ने उसका श्रेय सुरेखाताई को नहीं दिया। वैसे ही चोर पुलिस टास्क में भी उनको टीम वाले ने झूठ फूट यानी दुकान में बैठने का ही काम दिया था। कुछ टास्क में उन्हें संचालिका का कार्य दिया गया, वह भी उन्होंने बखूबी निभाया। हर घर वालों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। पराग और बिचकोलों की गलत बातों का उन्होंने समय समय पर तगड़ा विरोध किया। ऐसी न्यायप्रिय वात्सल्य से भरी प्रतिभागियों को आउट करके जनता ने खुद का ही नुकसान किया, क्योंकि जब भी सुरेखाताई कभी बोलने के लिए मुंह भी खोलती थी तो वह हरदम मनोरंजक को भी बढ़ाती थी। घर की सच्ची बातें सामने आती थी। उनके जाने से बिग बॉस हाउस से एक सच्चे इंसान की विदाई हुई।